राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे ट्रैवल व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे, वृंदावन जा रहे हैं और कल्याण स्टेशन पर रुके हैं और अब जस्ट ट्रेन आने ही वाली है। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की है, सारी डिटेल्स आपको आगे वीडियो में मिलेंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो ये ट्रेन है 12617 मंगल द्वीप एक्सप्रेस, जो कल्याण जंक्शन पर ऑन टाइम आ गई है। 1:30 बजे का टाइम था, 1:30 बजे ही आ चुकी है। ये मथुरा जंक्शन हमें ड्रॉप करने वाली है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कितने बजे कहाँ पहुंचा रही है। मैं काफी अरसे बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट मैंने जो ट्रिप उत्तराखंड का लिया था तो वो मैंने फ्लाइट के जरिए लिया था। तो चलिए अभी एक्साइटिंग होगा, आई कैन नॉट वेट, और मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। ट्रेन में और अपर बर्थ मुझे मिला है, हमेशा मैं अपर बर्थ ही बैठती हूँ और मेरी हाइट ज़्यादा है इससे, इसीलिए मुझे थोड़ा लग रहा है। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन मुझे यहाँ पे लिनन्स वगैरह भी प्रोवाइडेड है, मैं आपको दिखा दे। तो ये थर्ड एसी में हमने बुकिंग करी है और जो पिलोज, लिनन्स और ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करी है काफ़ी नीट एंड टाइडी है। बॉटल वगैरह भी दी है। आगे जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग होगी। उतर गई हूँ क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख। तो हेलो, ये मेरी मामी है, ये मेरा कजिन है मोहित। अब हम करेंगे पेट पूजा। हाँ हाँ हाँ, भिंडी की अचार भी हम खाएंगे, देख लीजिए, खोलो भिंडी का अचार, मस्त मस्त, ये दिखाओ। अब चलिए। तो जैसे मैं खाने में बिजी थी तो ये नासिक रोड स्टेशन हॉल्ट हुआ था, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। ग्लव्स वगैरह अभी पहन लिया है मैंने। श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, राधे 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 राधे। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। मैं पी रही हूँ चाय, रात के टाइम पे बिल्कुल मेरे लिए ऑड है ये पीना, बट अब ठंडी इतनी है तो पीना ज़रूरी लग रहा है। इसके बाद मैं डिनर कर लूँगी और हम देखेंगे कि कौन सी स्टेशन अगली आती है। तो लीजिए जी, हम अब आ गए हैं भुसावल स्टेशन पर। मैं थोड़ा सा ट्रेन से उतरकर सैर कर देती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ कि क्या नज़ारा है। चुके हैं बुरहानपुर स्टेशन पर। इसके बाद मुझे नहीं लगता है मैं आपको आगे बता पाऊंगी कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि तब तक शायद मैं सो गई रहूँगी। ये देखिए, बुरहानपुर पर हैं हम, राजस्थान के करीब। ठंड बहुत है बट मज़ा आ रहा है। बुरहानपुर के बाद आते हैं खंडवा जंक्शन, जिसमें मैं नीचे नहीं उतरी क्योंकि इस टाइम पर मैं डिनर कर रही थी। अब नेक्स्ट है इतारसी जंक्शन,
ये टाइम पर मैं वॉशरूम गई थी, इसकी वजह से मैं आपको डोर पर रुककर दिखा पा रही हूँ। रात को ना जो ट्रेन में ट्रैवल करते तो स्टेशन का वाइब ही अलग रहता है। और अब ये स्टेशन्स आधी रात को आई हैं, उसमें है भोपाल जंक्शन, जब मैं गहरी नींद में सो गई थी, और भोपाल के बाद आई है बीना जंक्शन। जी हाँ, बीना तो औरत का नाम रहता है, बट यहाँ पर स्टेशन का नाम भी है। इसके बाद झांसी, आपने झांसी की रानी तो सुनी ही है। ये तीनों स्टेशन हम जब नींद में थे तब पार हो चुकी हैं, और अब मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। गुड मॉर्निंग, इसके बाद कौन सी स्टेशन आ रही है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम आ चुके हैं ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, सुबह हो चुकी है, और मथुरा यहाँ से बस कुछ ही देर में हम रीच हो जाएंगे। मुरैना के बाद अगली स्टेशन आगरा कैंट है, ये भी हॉल्ट हुई थी लेकिन मैं नहीं उतर पाई, और बस हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, मथुरा जंक्शन। आगरा के तुरंत बाद मथुरा पे पहुंचे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, क्योंकि मेरी काफ़ी इच्छा थी मथुरा और वृंदावन विजिट करने की, और अब मैं फाइनली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जंक्शन पर पहुँच चुकी हूँ। इसके बाद तुरंत हम ऑटो की सवारी लेंगे, और ये ट्रेन हमें अलविदा कह रही है, हमें कल्याण से मथुरा तक ले आई। तो एस्केलेटर से नीचे उतर चुके हैं ऑटो स्टैंड के लिए, यहाँ से हम डायरेक्टली अब जाएंगे वृंदावन। जुड़े रहें एंड तक, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर दें, शेयर भी। ऑटो स्टैंड पर आ चुके हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से हम काफी लोग हैं, तो यहाँ पे ई रिक्शा है, हम वहाँ से चल रहे हैं। कितना फेयर लगता है वो सब मैं आगे आपको चल के बताऊंगी। मैं यहाँ पे अपना लगेज कैरी कर रही हूँ, चलिए। हमने दो ऑटो करी हैं, 11 लोग हैं हम, तो अपना सामान अब यहाँ पर जमा करवा रहे हैं, और बस कुछ ही सेकंड्स में जर्नी स्टार्ट होगी। राधे, तो हम अभी मथुरा जंक्शन पहुँच चुके हैं, मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। यह ई ऑटो विच इज लुकिंग रियली प्रीटी एंड शीक लाइक मी, एंड यहाँ का जो किराया है मैं आपको बता दूँ, 50 रुपया पर सवारी। तो आप कितने भी लोग जा रहे हैं तो ये आपको ड्रॉप करेंगे, तो हमें ड्रॉप करेंगे अटला चुंगी वृंदावन तक, ये 50 रुपीज पर सवारी। तो दिस इज अ रियली अफोर्डेबल ऑप्शन विच यू कैन रास्ते में। आपको अगर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़े या काफी मंदिर दिखाई पड़े तो आप समझ जाओ कि आप मथुरा की भूमि पर पहुंच चुके हो या वृंदावन पहुंच चुके हो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हर जगह मंदिर है, और अब धूप है काफ़ी लेकिन गर्मी नहीं हो रही है। जी हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है, और देखते देखते बस अब हम पहुँच ही चुके हैं। हम मथुरा के दर्शन बाद में कर लेंगे, पहले हम वृंदावन जा रहे हैं, और ये नाश्ते वगैरह यहाँ पर लग चुके हैं। तो एक ऑटो करने के बाद हमने फिर से दोबारा दूसरी ऑटो करी है, अपने जहाँ पर स्टे है वहाँ तक जाने के लिए। और वृंदावन में जो बंदर है वो काफ़ी आपको यू नो नॉटी है, वो आपके चश्मे वगैरह चुरा देते हैं, और इस बंदर ने मेरा चश्मा चुरा लिया था, फ्रूटी के बाद दे दिया। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको सहायता मिली होगी कल्याण से मथुरा जाने की। राधे राधे।